इस वीडियो से हम 9th क्लास के कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 डेटा एंड प्राइवेसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो हैं एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी, सिंपल इंक्रिप्शंस, नंबर 4 इंक्रिप्शंस विद कीज़ एंड पासवर्ड्स, नंबर 5 साइबर क्राइम। पहला टॉपिक हम एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी कवर करेंगे। सबसे पहले हम एथिकली इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी पहला टॉपिक क्लियर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, हम पहले देखेंगे कि डेटा एंड प्राइवेसी होता क्या है। चलें देखते हैं कि डेटा एंड प्राइवेसी क्या होता है। डेटा एंड प्राइवेसी डेफिनेशन, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्राम मलेशियस यूजर्स इज कॉल्ड डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। तो सपोज करें कि आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है और इस कंप्यूटर में आपकी कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो उस डेटा या इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना मलेशियस यूज़र से, वो डेटा प्राइवेसी कहलाता है या इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी कहलाता है। देखें, एक नेटवर्क जब होता है उस नेटवर्क के अंदर हैकर्स भी हो सकते हैं। सपोज़ करें आप कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर करते हैं, तो वहाँ से हैकर्स मुख्तलिफ तरीक़ों से आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। तो उस तरह आपको डिफरेंट लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। मे बी इन केस ऑफ मनी आपकी रकम चोरी हो सकती है। तो इस तरह के आपकी कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो उसको प्रोटेक्ट करना मलेशियस यूज़र से, मसलन हैकर्स वगैरह से, आपके डाटा की हिफाजत करना, वो डाटा प्राइवेसी कहलाता है। ओके, इसे डाटा प्राइवेसी भी कहते हैं या कह लेंगे इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, आप टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। अब किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम के रिलेटेड एथिकल इश्यूज किन का सामना करना पड़ता है देखते हैं अभी। इफ़ वी हैव डेटा ऑफ अदर्स, इट इज़ आवर ओन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट सिक्योर। अगर हमारे पास किसी दूसरे का डेटा मौजूद है तो ये हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एथिकल का मतलब होता है अखलाकी तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डेटा को सिक्योर रखें। सम ऑफ डेटा सिक्योरिटी इश्यूज आर, तो कुछ सिक्योरिटी इश्यूज फिर भी होते हैं, वो कौन से हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, फ्रॉड एंड मिसयूज, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स, सैबोटेज। तो हम सभी को बारी बारी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इशू को हम देखेंगे जो सिक्योरिटी इशू है, पहला कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, इसको डिस्कस करेंगे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी क्या होता है? प्राइवेसी मीन्स डेटा ऑफ द इंडिविजुअल डेट इज़ कलेक्टेड बाय हिम। ये किसी का भी डेटा हो सकता है, किसी भी शख्स का, जो उसी से कलेक्ट किया गया होता है, उसी से लिया होता है डेटा, ठीक है? तो वो जो डेटा होता है वो प्राइवेसी होता है उसकी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? कि आपने वो डेटा जो उस पर्सन से आपने कलेक्ट किया है उसकी हिफाजत करना, उसको कह लें कि किसी और को नहीं बताना। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स टू कीप द अदर्स पर्सनल डेटा एज कॉन्फिडेंशियल, कि आपने दूसरों का डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना है, दूसरों का पर्सनल डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बैंक शेयर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट माई बैंकिंग ट्रांजेक्शंस विद माई बिजनेस कंपिटिटर्स, देन इट कैन हार्म माई बिजनेस। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बिजनेसमैन है और उसका बैंक अकाउंट है किसी बैंक में, तो अगर वो बैंक उसकी ट्रांजेक्शंस, उसके मुकाबले में खड़ी बिजनेस कंपनी को उसकी ट्रांजेक्शंस के बारे में बता दे, तो उसके लिए ये कह लें कि नुकसानदायक भी हो सकता है। तो कंपिटिटर्स को जब वो ट्रांजेक्शन पता चलेंगी तो जो बिज़नेस ओनर है उसको ये हार्मफुल भी हो सकता है। उस तरह उसको पता चल सकता है कि ये कितने डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, किसके साथ इसकी डील हो रही है, और इस तरह की इंफॉर्मेशन कंपिटिटर के पास जा सकती है जो कि हार्मफुल है। अब हम देखते हैं पायरेसी क्या है। प्राइवेसी नहीं, पायरेसी, ठीक है? प्राइवेसी तो वो होता है किसी भी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन जो उसी से कलेक्ट की गई होती है, लेकिन पायरेसी क्या होती है? पायरेसी से मुराद होती है इलीगल कॉपीज़। पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपीज़, इट कैन बी अ बुक, सॉफ्टवेयर, मूवी, पोइट्री, पेंटिंग एंड ETC। ये पायरेसी, अगर आप किसी की बुक को भी कॉपी करके करते हैं वो भी पायरेसी है, अगर किसी सॉफ्टवेयर को कॉपी करके आगे से बेचना शुरू कर देते हैं वो सॉफ्टवेयर पायरेसी है,
मूवीज की भी पायरेसी होती है, पोइट्री की, इवन के पेंटिंग की भी, और इस तरह की पायरेसी हो सकती है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी जाहिर सी बात क्या होगा, पायरेसी इज द इलीगल कॉपिंग डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर। किसी सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपी सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ कह लेंगे इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर या इलीगल यूजेज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब ये सॉफ्टवेयर पायरेसी से हम कैसे बच सकते हैं, तो इसको इससे हम बच सकते हैं कॉपीराइट लॉ को इस्तेमाल करते हुए। कॉपीराइट लॉ हमें पायरेसी से बचा सकता है। सम सॉफ्टवेयर कंपनीज, जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती हैं, वो सॉफ्टवेयर पायरेसी से बचने के लिए क्या करती हैं, सेल द सॉफ्टवेयर विद द कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट कॉल्ड द की ऑफ द ऑफ डेट सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर की एक की बनाती हैं और जब वो सेल करती हैं सॉफ्टवेयर को, तो वो की जो बायर होता है उसको की दे देते हैं ताकि वो रजिस्टर कर सके। ओके, दिस की इज़ प्रोवाइडेड टू ओनली दोज पीपल हु बाय द सॉफ्टवेयर। जो शख्स वो सॉफ्टवेयर खरीदेगा तो सॉफ्टवेयर कंपनी उसी को बस वो की देगी ताकि वो जाकर सॉफ्टवेयर को रजिस्टर कर ले। इन दिस वे इलीगल कापीज आर स्टॉप्ड टू बी इंस्टॉल्ड। इस तरह से हम इलीगल गैर कानूनी जो कापियाँ होती हैं उनसे बचा जा सकता है। इस तरह से कुछ सॉफ्टवेयर विंडो ओपन हो जाती है कि यहाँ पर की एंटर करें और फिर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी हो जाएगा और रजिस्टर भी हो जाएगा, राइट? तो सम पीपल स्टार्ट सर्चिंग फॉर डैट की बाय यूजिंग इलीगल मीन्स। लेकिन फिर भी कुछ लोग इंटरनेट पर या डिफरेंट मीन्स के ज़रिए उसकी ना सर्चिंग करते हैं इलीगल मीन्स से, उसको की मिल जाए, हालांकि उसने सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा, उसको की मिल जाए उस सॉफ्टवेयर की ताकि वो रजिस्टर कर ले। दिस इज़ कॉल्ड क्रैकिंग द की। ये डेफिनेशन आ सकती है पेपर में। पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रैकिंग द की। तो राइट, आपको होपफुली पता चल गया होगा। अगर आपको नहीं पता चला तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और इलम की जस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी इंक्लूड्स। अब सॉफ्टवेयर पायरेसी की भी किस्में हैं, मसलन सॉफ्ट लिफ्टिंग। अब सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या होता है, बॉरोइंग एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ कोलीग। मिसाल के तौर पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ पर आपका कोई कलीग कोई सॉफ्टवेयर खरीदता है किसी कंपनी से, ठीक है, तो उसको कोई की वगैरह मिसाल के तौर पर मिल जाती है, तो आप उससे वो सॉफ्टवेयर की ले लेते हैं और अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर देते हैं, हालांकि आपने सॉफ्टवेयर बाय नहीं किया। तो ये सॉफ्ट लिफ्टिंग होता है, तो ये भी सॉफ्टवेयर पायरेसी की एक किस्म होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़, इंस्टॉलिंग मोर कापीज ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंसेस फॉर। मिसाल के तौर पर आपको लाइसेंस मिला है कि आप इस एक सॉफ्टवेयर की ना 3 कापियों से ज़्यादा इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आप मे भी 10 से 12 इंस्टॉल कर लेते हैं वो सॉफ्टवेयर को उसी की मदद से या किसी भी तरीके से आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़, और ये भी एक सॉफ्टवेयर पायरेसी की टाइप है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हार्ड डिस्क लोडिंग, इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथराइज्ड कापीज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन रिफर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर्स। इसका मतलब ये है कि न्यू कंप्यूटर्स या रिपेयर्ड जो कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पर आप अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर की कापीज़ को इंस्टॉल करके आगे से बेच दें। ये हार्ड डिस्क लोडिंग होता है और ये भी सॉफ्टवेयर पायरेसी की एक टाइप है। लास्ट वन टाइप देखते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी की, जिसको कहते हैं काउंटर फिटिंग, डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट। कोई सॉफ्टवेयर है जो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है उसको आगे से बेचना, ये काउंटरफिटिंग कहलाता है और ये भी एक सॉफ्टवेयर पायरेसी की किस्म है। होपफुली आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें और इलम की जस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।